हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की, और ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। इस रिपोर्ट को हम हिंदी में देखेंगे। जो इसका QIP आने वाला था उसके बारे में यहाँ पर जो है अपडेट आया है। और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। यहाँ पर जो है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात करें तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस भी करते हैं। आप हमारे चैनल को विजिट ज़रूर करें। खबर क्या है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अदानी एनर्जी ने $600 मिलियन के शेयर बेचने के लिए बैंकों को चुना। आगे हम देखते हैं कि मामले से परिचित लोगों के अनुसार गौतम अदानी की विद्युत पारेषण इकाई ने शेयर बिक्री की व्यवस्था करने के लिए निवेश बैंकों का चयन किया है, जिससे कम से कम ₹50 अरब यानी कि $597 मिलियन जुटाए जा सकते हैं, यानी कि तकरीबन 5,000 करोड़ के आसपास। अब ये पैसा अगर जो है कंपनी के पास आता है तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इसके फ्यूचर प्रोजेक्ट जो है उसकी अगर ये कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाहती है तो उसके अंदर भी जो है ये यूज़फुल रह सकता है। अब आगे देखते हैं कि लोगों ने बताया कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड, ICICI सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, जेफरीज फाइनेंशियल ग्रुप इन्फ और SBI कैपिटल मार्केट सहित सलाहकारों के साथ मिलकर तथाकथित योग्य संस्थागत प्लेसमेंट या QIP की तैयारी कर रही है। ब्लूमबर्ग न्यूज़ ने इस सप्ताह की शुरुआत में बताया कि शेयर बिक्री जो है वो अगस्त के मध्य तक पूरी हो सकती है, मतलब कि मिडल अगस्त के आसपास, यानी कि हो सकता है कि ये 10 से 15 अगस्त के आसपास ही आ सकता है। अब आगे देखते हैं कि लोगों ने कहा कि विचार विमर्श जारी है और बैंक लाइनअप सहित धन उगाने का विवरण भी अभी भी बदल सकता है। उन्होंने पहचान न बताने का अनुरोध किया क्योंकि जानकारी निजी है। ICICI सिक्योरिटीज़, जेफरीज और SBI कैपिटल के प्रतिनिधियों ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जबकि अदानी के प्रतिनिधि तुरंत टिप्पणी नहीं कर सके। अदानी एनर्जी द्वारा शेयर बिक्री भारतीय समूह का सार्वजनिक इक्विटी बाजारों में पहला कदम होगा, क्योंकि पिछले साल की शुरुआत में एक शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट ने बाजार मूल्यों में $अरबों का नुकसान किया था। मई में अदानी एनर्जी के बोर्ड ने विभिन्न तरीकों से ₹125 अरब जुटाने की योजना को मंजूरी दी थी, मतलब कि तकरीबन 12,500 करोड़। और ये QIP कितना आ रहा है, अभी आ सकता है 5,000 करोड़ का। तो और भी QIP या फिर अन्य तरीके से भी ये लोग अभी भी जो है पैसा जुटा सकते हैं, तो ये भी ना भूलें। और उससे भी जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। 12,500 करोड़ बड़ी रकम है दोस्तों। आगे देखते हैं आखिर में कि अदानी एनर्जी भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की बिजली उपयोगिता कंपनी है, और इसकी वेबसाइट के अनुसार ये 21,100 सर्किट किलोमीटर से अधिक ट्रांसमिशन लाइनों का संचालन करती है। कंपनी ने कहा कि कंपनी का लक्ष्य 2030 तक जैविक और अजैविक दोनों तरह के विकास अवसरों का लाभ उठाकर 30,000 सर्किट किलोमीटर तक पहुंचना है। सो ये जो है इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। इस अगस्त के जो है, मतलब कि अगले महीने की मिडल अगस्त के अंदर जो है ये QIP आ सकता है। अगर ये पैसा आ जाता है तो कंपनी के लिए अच्छा रह सकता है। इसके रिजल्ट भी हमने देखे, उसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी। शेयर का प्राइस कल थोड़ा सा ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, उसके ऊपर हमने डिटेल में चर्चा की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल के ऊपर जाकर विजिट कर सकते हैं, वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज या कल इसके फंडामेंटल के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। और आज के वीडियो में इतना ही, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो वो भी हम जो है शेयर करेंगे उसके ऊपर। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।